everyone, hope you all are doing good and safe at your own place. Welcome back to my channel Beauty Tips. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you'll get notification each time I will post a new video on my channel. In today's video, I'm going to share some tips and also some homemade remedies to reduce open pores. So without any further delay, let's move on to the video. वीडियो में मूव ऑन करने से पहले ये पता करना जरूरी है कि व्हाट इज ओपन पोर्स एंड हाउ डज इट वर्क फॉर आवर स्किन. पोर्स सबके स्किन के ऊपर होता है एंड ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जितना ऑयल होता है, स्वेट होता है, हमारे स्किन के ऊपर रिलीज करने में हेल्प करता है. बट फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल, इनके पोर्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल, स्वेट एंड बहुत ज्यादा डर्ट जमा होके इनके पोर्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, जिसके वजह से पोर्स का दिखना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एंड जिसके वजह से पिंपल्स के भी होना स्टार्ट हो जाता है. हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी पोर्स का जो साइज होता है वो काफी बड़ा दिखता है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ जाता है एंड बॉडी का बैलेंस होता है काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा लूज होती जाती है, उसके वजह से आपकी पोर्स काफी एनलार्ज हो जाता है. पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, क्योंकि हमारे स्किन को हाइड्रेट करवाने में हेल्प करते हैं. सो 100% पोर्स को निकालना इज नॉट गुड फॉर आवर स्किन एंड इसको निकाला भी नहीं जा सकता है, बट इसका जो अपीयरेंस होता है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे वो मेरा स्किन केयर हो या फिर मेकअप वीडियो हो, सभी वीडियो में बोलती रहती हूँ कि स्किन केयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, क्योंकि हमारे स्किन में जितने भी इश्यूज होते हैं उसको काफी हद तक मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. सो यहाँ पर भी अगर आप एक रेगुलर स्ट्रिक्ट स्किन केयर फॉलो करते हो डे टाइम में एज वेल एज नाइट टाइम में या फिर वीकली में, तो आपके जितने भी ओपन पोर्स के इश्यूज होते हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे. रेगुलरली फेस को वॉश करना, टोनर यूज करना, मॉइस्चराइज करना एंड यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने से पोर्स काफी कम दिखते हैं. एंड रेगुलर स्किन केयर आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. सो स्किन केयर इन द डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम इज ए मस्ट स्टेप. आपको डेफिनेटली एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए टू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्किन इश्यूज. बट आगे वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, क्या क्या होम मेड रेमेडीज फॉलो करती हूँ टू रिड्यूस द ओपन पोर्स. फर्स्ट इज, आपको एलोवेरा जेल का अच्छा खासा क्वांटिटी लेके अपने फेस में अप्लाई करना है. एलोवेरा जेल हमारे स्किन को हाइड्रेट एंड नरिश करने में हेल्प करता है एंड एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है एंड इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज. अगर स्किन में कहीं पे जलन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको रिड्यूस करने में काफी हद तक हेल्प करता है. After 10 minutes, आपको अपने फेस को वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ आइस कोल्ड वाटर. आपको बिल्कुल ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है. अच्छा खासा क्वांटिटी एलोवेरा जेल का अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है 10 मिनट्स के लिए. आई हैव वॉश माई फेस विद द कोल्ड वाटर. आप इस एलोवेरा वाले स्टेप को दिन में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हो. अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करोगे तो विद इन 5 to 7 days आपकी जितने भी ओपन पोर्स होंगे काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज, आई एम गोइंग टू शेयर ए फेस पैक व्हिच विल हेल्प्स टू मिनिमाइज एंड श्रिंक योर पोर्स. टू मेक दिस फेस मास्क आई एम हियर टेकिंग दिस सैंडलवुड पाउडर. आई एम एडिंग द लेमन जूस टू द फेस मास्क. आई एम एडिंग रोज वाटर टू दिस सैंडलवुड पाउडर. इस फेस पैक में पहले हमने ऐड किया था सैंडलवुड पाउडर व्हिच हेल्प्स टू एक्सफोलिएट डर्ट, इम्प्यूरिटीज एंड क्लॉग्ड पोर्स ऑफ द स्किन. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्राइटन द स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड लाइटन द फाइन लाइन्स. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रीजेनरेट द न्यू स्किन सेल्स. इसमें हमने ऐड किया था रोज वाटर व्हिच विल हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ योर स्किन एंड हमारे ओपन पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया था लेमन. लेमन के अंदर नेचुरल एस्ट्रिजेंट है व्हिच हेल्प्स टू क्लोज द पोर्स एंड पोर्स के अपीयरेंस को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है. इस फेस पैक को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स एंड आई विल वॉश माई फेस. आई हैव वॉश्ड माई फेस. नाउ आई एम गोइंग टू वाइप इट विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन क्लॉथ. एलोवेरा वाला स्टेप को आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो फेस मास्क वाला स्टेप है आपको इसको वीकली ट्वाइस या थ्राइस फॉलो करना है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम. आई विल शेयर माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी. बाय बाय.